सोने की तलाश कर रही पुलिस के हाथ सलाउद्दीन गैंग लगी है। ये गैंग मुनावर और धर्मपुरी के बीच में वारदात को अंजाम देती है। पुलिस ने सोना भी बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस के मुताबिक जब्त किया गया सोना बड़नगर के ज्वेलर मुदित जैन का है। जब्त किए गए सोने की कीमत करीब 75 लाख रुपए बताई जा रही है। बदमाशों ने इंदौर सिमरोल के बीच ऋषि ढाबे से ये सोने से भरा बैग चोरी किया था। वहीं पुलिस लिखित शिकायत लेने के बाद मामले की गुपचुप जांच कर रही थी, जिसके चलते ये सवाल उठ रहा है कि सोना कहीं 1.5 किलो से ज्यादा तो नहीं था। सिमरोल पुलिस ने क्राइम ब्रांच की मदद से एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग के जुड़े 3 बदमाशों को पकड़ा है। 20 दिन पहले हुई वारदात में पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया था। वहीं इस मामले में फुटेज के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ कर पुलिस को उन्हें सौंप दिया गया है। पुलिस इस मामले में और भी आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं ग्रामीण SP भगत सिंह विरदे के मुताबिक इंदौर और सिमरोल के बीच ऋषि ढाबे पर बड़नगर के ज्वेलर्स मुदित जैन के बस से सोने के जेवर से भरा बैग चोरी हो गया था। उसमें करीब 1 किलो 400 ग्राम के सोने की ज्वेलरी थी। इसमें वो अलग अलग शहरों में वो सप्लाई करते थे। इस मामले में फुटेज निकालने के बाद अकरम पिता हसन, अतीक पिता हबीब खान निवासी नेपानगर और कमल सोलंकी को पकड़ा गया है। आरोपी सलाउद्दीन गैंग से जुड़े हैं और उसी के लिए काम करते हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि सोना चांदी के व्यापारियों की पहले रेकी करते हैं। इसके साथ ही वो नजर भी रखते हैं कि कौन व्यापारी बिना बिल के माल खरीद कर ला रहा है और उसके बाद मौका देखकर उस साथ वारदात को अंजाम देते हैं। वही सलाउद्दीन गैंग मूल रूप से खेता गाँव का है, जो कि मनावर और धर्मपुरी के बीच में आता है। कई लूट और ठगी की वारदात को अंजाम भी दे चुका है। इसकी गैंग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में लोगों को अपना निशाना बना चुकी है। SP के मुताबिक उन्होंने इस मामले में करीब 150 किलोमीटर तक के फुटेज खंगाले थे, जिसमें उन्हें धामनोद के पहले आरोपियों की एक कार उस बस के पीछे जाती दिखी, जिसमें मुदित सफर कर रहा था। मुदित चाय पीने के लिए ऋषि ढाबे पर उतरे थे और इसी दौरान बदमाशों ने वारदात को अंजाम दे दिया और फरार हो गए। उनसे अन्य वारदातों को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। थाना सिमरोल में बाई गांव के पास जो बस आ रही थी, उसमें हमारे मुद्रित जैन एक व्यापारी थे बड़नगर के, उनके साथ एक बैग लिफ्टिंग हुई थी। हम लोगों ने इस व्यापारी का पूरा ट्रैक को हमने सर्च किया कि ये खंडवा से आ रहे थे, तो वहाँ से लेके यहाँ तक करीब 150 किलोमीटर के सारे CCTV हम लोगों ने चेक किए, तो उसमें ये आया कि बस के पीछे एक ब्रजा गाड़ी आ रही थी, उसको फॉलो कर रही थी। और ये व्यापारी जो अपने बाई गांव के जो शनि मंदिर है उसके पास में एक ढाबे पर रुके थे, तो कुछ खाने पीने की चीज़ लेने गए, तो उसी बीच में ये बैग लिफ्टिंग कर दी थी। जब हमने वो ब्रिजा गाड़ी को सर्च किया तो वो बिना नंबर की गाड़ी थी। फिर कंपनी से हमने पता किया इतने इतने कलर की गाड़ियाँ कहाँ कहाँ गई, तो फिर ये आया कि मनावर में जो कंजर खेरवा है वहाँ की ये गाड़ी निकली। उसके आधार पर फिर हम लोगों ने इनकी घेराबंदी करी और आरोपियों को पता किया, तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो है हम लोगों ने अभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक अकरम खान